नमस्ते दोस्तों के साथ की प्रोजेक्ट की मेहनत में हर विचार की अहमियत होती है। समन्वय से ही मुश्किलें आसान होती है और तभी सफलता की मंजिल मिलती है। समन्वय का अर्थ है जब विभिन्न लोग या चीजें एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके, जैसे कि एक टीम। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण, निर्णायक गण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अव्यान आर्य, कक्षा पांचवीं का छात्र, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक समन्वय की शक्ति है। इस कविता का उद्देश्य समन्वय की महत्वपूर्णता को उजागर करना है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। जब एकता का दीप जले, समन्वय का हो प्रकाश, सभी दिशाओं में हो उजाला, दूर हो हर एक विनाश। हाथ में हाथ मिलाकर चले, संग संग कदम बढ़ाए। हाथ में हाथ मिलाकर चले, संग संग कदम बढ़ाए। समन्वय की शक्ति से हर मुश्किल को हम हराएं। नदी की धाराएं मिलकर सागर का रूप लें, वैसे ही हम सब मिलकर नई कहानी लिखें। फूलों का बगीचा जब खिलता रंग बिरंगे फूलों से, वैसे ही हमारे जीवन में खुशियाँ मिलजुल के। समन्वय से ही बनता जीवन खुशहाल और सुगम। आओ करें हम सब मिलकर अपने सपनों को साकार। आओ करें हम सब मिलकर अपने सपनों को साकार। हर एक सुर में जब सुर मिलता संगीत मधुर बनता है, वैसे ही जब हम संग चलते जीवन सरल बनता है। पेड़ की शाखाएं मिलकर छाया घनी बनाए। पेड़ की शाखाएं मिलकर छाया घनी बनाए, वैसे ही हम सब मिलकर नई ऊंचाइयां पाए। समन्वय से हो हर कार्य सच्चाई से भरा, सपनों की उड़ान में ना हो कोई भी डरा। पर्वत की चोटी पर जब हम साथ चढ़े, जीवन की इस राह में खुशी से हम बढ़े। आओ मिलकर करे प्रयास, आओ मिलकर करे प्रयास। समन्वय की राह चुने, हर दिल में हो समर्पण, हर मन में हो सुकून। धन्यवाद। नमस्ते।